155 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुरी में पत्र सूचना कार्यालय PIB लखनऊ सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2022 को फतेहपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सुबह ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार इस फार्मूले पर विचार कर रही है कि भविष्य में किसानों और घरों की विद्युत व्यवस्था अलग अलग कर दी जाएगी, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के विकास में अत्यधिक रुचि लेते हैं और किसानों का विकास उनके हृदय के केंद्र में है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए PIB के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार ने कहा कि गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पत्रकारों को पहुंचाया ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खामियां ही निकाली जाएं, समाज के विकास के लिए सकारात्मकता भी आवश्यक है। कार्यशाला में छात्रवृत्ति व शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अनुसचिव श्री गजमोहन मीना और वरिष्ठ सलाहकार श्री राघवेंद्र खरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकार बंधु और सूचना प्रसारण अधिकारियों के बीच पत्रकारिता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर खुला संवाद हुआ। कार्यक्रम में पत्रकार श्री विवेक मिश्र और दिलीप सहित कई पत्रकारों ने अहम मुद्दों पर एडीजी विजय कुमार के सामने अपनी बात रखी। फतेहपुर से संवाददाता राजकुमार गुप्ता के साथ फूल सिंह लोधी की खास रिपोर्ट। तो उसमें कुछ शर्तें हैं, उसके अंतर्गत किसी बीमारी से मृत्यु होने की दिशा में, जैसे कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, तो अभी पिछले 3 महीने पहले ही पूरे भारतवर्ष से करीब 55 या 60 लोगों को इसमें दिया गया जिनके आवेदन आए थे। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है किसी बीमारी से ग्रसित होने के लिए। जी हाँ, उस वेबसाइट पर जाएंगे केंद्र जो है तो पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो कई इलाहाबाद में कई लोगों को मिला है, लखनऊ में मिला है, कई जगहों पर मुझे ऐसे ध्यान नहीं जो साथी उसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिकमेंड करके देते हैं, ऑनलाइन आवेदन होता है उसकी हार्ड कॉपी आप डायरी में दे दीजिए और का दे दीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले स्कीम योजना नहीं थी जो कार्यक्रम नगर व्यवहार की प्रकृति में संपन्न हो रहा है। के साथ संवाद करने जाऊंगी जिन भाइयों के कारण मैं आज पूरे देश में जब भी कहीं मेरा पत्रकारों से सामना होता है। साहु जी मौजूद है तो सूची रूप से अपना के वास्तविक खबर लिखने में भी हमारे ऊपर मुकदमे हो जाते हैं।